आप सभी कैसे हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड अपना Q3 का रिजल्ट आज घोषित कर चुका है और रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल इसको आज एनालाइज करने जा रहा है कि गेल इंडिया का जो Q3 का रिजल्ट है किस प्रकार आया है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि गेल इंडिया 129 रुपये के प्राइस पर जो है क्लोजिंग दिया है दिनांक 11 फरवरी 2020 को। आप जैसा कि देख रहे हैं ये लगभग 6% की तेजी दिखा करके बंद हुआ है। दोस्तों, इस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि गेल इंडिया लिमिटेड पर मैंने एक वीडियो 6 जनवरी को अपलोड किया था, उसको आप जाकर के जरूर देखें। उसमें गेल इंडिया के सारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी, तो उस वीडियो को भी देखने से आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हम लोग अपनी चर्चा जो है गेल इंडिया द्वारा प्रस्तुत किए गए Q3 के रिजल्ट तक ही सीमित रहेगी कि इसने कैसा रिजल्ट किया है, क्यों इसके प्राइस में 6% की तेजी दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग साथ में चल करके निकल पड़ते हैं इसके दिए गए रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर इनका सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। एनुअल रिजल्ट भी यहाँ पर सामने दिख रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं गेल इंडिया सितंबर क्वार्टर में 18,041 करोड़ का रिवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि दिसंबर में घट करके 17,768 करोड़ का हो गया। और दोस्तों यहाँ पर रिवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो है रो में आप देखिए कि सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 1,064 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में बढ़ करके 1,250 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो गया। तो हालांकि रिवेन्यू में यहाँ पर डिग्रोथ दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट में लगभग 20% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो और इनका EPS भी देखिए दोस्तों, 2.36 से बढ़ करके सितंबर क्वार्टर से बढ़ करके दिसंबर में 2.77 रुपीज़ पर शेयर हो गया। तो यहाँ भी काफ़ी तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, और भी एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है सितंबर 19 में लगभग 6% हुआ करता था, जो कि 1% बढ़ करके लगभग 7% हो गया है। तो रिवेन्यू फ्रंट में हालांकि इसमें हल्का डिग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन जो निवेशकों को जो चीज़ चाहिए नेट प्रॉफिट यहां बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेट मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है, EPS में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका रिजल्ट जो है अच्छा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि किस तरह के निवेशक इसमें निवेशित हैं और उसका परसेंटेज क्या है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें प्रमोटर 52.13% है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी है और इसमें प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसमें 52% होल्डिंग है गवर्नमेंट की। अदर DI करीब 9% है। इंश्योरेंस वाले 6% होल्डिंग स्टैक लिए हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 10% का है। FIs जो है लगभग 18% का स्टैक इस कंपनी में लिए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े निवेशकों का काफ़ी इंटरेस्ट है इस शेयर में। तो आप हम रिटेल निवेशक भी इसमें अपना पोजीशन हम लोगों को बना के रखना चाहिए। और दोस्तों, इसका थोड़ा सा हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं कि ये चार्ट में किस तरह का बिहेव कर रही है, इनका क्या पैटर्न है, क्या ये शेयर अब जो कल नई ऊंचाई बना करके बंद हुआ है, क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएगी या फिर से ये दोबारा अपने पुराने स्तर पर लौट आएगी, इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं रिजल्ट के आधार पर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग 1 ईयर का इसका चार्ट देख रहे हैं, प्राइस चार्ट, उसमें ये साफ दिख रहा है कि ये जो गेल इंडिया है 10 दिसंबर 2019 को जो लो बनाया था वो 111 रुपये का लो बनाया था, उसके बाद इसमें हल्की सी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद फिर 131 रुपये का हाई बनाया था, पुनः ये गिर करके 114 रुपये में आ गया।
और इसमें जो है अब फिर से पुनः तेजी हुई है और अभी 129 रुपये 15 पैसे में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इनके पास जो है ये जो शेयर है 131 रुपये 65 पैसे से बार बार रिटर्न हो रहा है और इस रेसिस्टेंस को जो है ये तोड़ नहीं पा रहा है और अभी भी जो है वो 131 के नीचे बंद हुआ है। तो दोस्तों रिजल्ट तो अच्छा है, अब हम लोग को ये देखना है कि यह 131 के लेवल को तोड़ करके ऊपर जाने में सक्षम हो पाता है कि नहीं, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये शेयर जो है अब आगे तभी बढ़ेगा जब ये 131 को तोड़ करके ऊपर के सतह पर करीब 135 के आसपास जब ये ट्रेड करना शुरू करेगा, तो इसमें एक लंबी तेजी आ सकती है और वह तेजी कम से कम इसको 146 रुपये के आसपास जो है 146 रुपये के आसपास तेजी होने की संभावना है। लेकिन कंडीशन इसमें यही है कि ये जो है इस शेयर को जो है 132 रुपये से ऊपर 135 रुपये के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करना होगा, तभी ये जो है 146 का लेवल छू पाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट तो अच्छा है, हम लोग ये कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये अपने जो स्ट्रांग रेसिस्टेंस है उसको तोड़ करके ऊपरी स्तरों को ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा। दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।